आ गई मेरी रबड़ी। रबड़ी? सागर, तुम्हारी दादी माँ मुहूर्त में नहीं घुसी, तुम्हारी पत्नी के दिल में वहम घुस गया है। वहम? हमारे गांव में एक बहुत बड़े बाबा थे, बाबा अरबंगा दास, उनसे हमने सीखा है भूत पिशाच पकड़ने का मंत्र। मैं करूंगा हवन। आलतू फालतू, दादी सास की आत्मा को निकाल तू। ओम फट 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 स्वाहा। आज तक वही हुआ जो मैंने चाहा। आज के बाद उस आत्मा से न मैं ही भाभी डरेगी, न मैं डरूंगा, क्योंकि उस आत्मा को पकड़कर मैं इस बोतल में भरूंगा और इस बोतल को मैं फ्रिज में रखूंगा ताकि उस भटकती हुई आत्मा को ठंडक मिल सके। अरे बाबा अरबंगा दास का चेला हूँ, बचपन से ही भूत प्रेत से खेला हूँ। अरबंगा, what a name! वो भूतों के बारे में जानते थे? जानते थे? जानते थे? जानते थे? अरे वो खुद भूत थे। उन्होंने दिया था मुझे ये भूत पकड़ू मंत्र। अब मारूंगा मैं वो मंत्र। ओ मंत्र। तू मारिए ना। वो मंत्र पूरा नहीं, पौना ही याद है। हाय हाय। काहे से दिमाग हमार भारी बा, पता नहीं भूले की बीमारी बा। क्या? ओके ओके ओके, आप वो मंत्र पूरा याद कीजिए, तब तक सोनिया एक मस्त सेल्फी लेती है। सोनिया के दिमाग में एक मस्त स्टेटस आया है, अंबूत पकड़ो मिशन विद तांत्रिक बाबा। मैं भाभी बताइए, क्या वो आत्मा आपको इस वक्त दिख रही है? नहीं, अभी तो नहीं दिख रही। दिखेगी कैसे? मेरे डर से वो कहीं छिप गई होगी। मैं भाभी, वो माता रानी वाला लॉकेट कहाँ है? वो मेरे कमरे में, मैं लेकर आती हूँ। हाँ। मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। चल, चल, चल। एक मिनट, आप दोनों कहाँ जा रही हैं? क्यों, आपको डर लग रहा है? नहीं, जाओ जाओ। हाँ। शमशान के मुर्दे भी जाग जाते हैं। भूत पिशाच अपने बच्चों से कहते हैं, बेटा सो जा, नहीं तो पौना जाएगा, पौना जाएगा, पौना जाएगा। आ गई आवाज, पौना। अब हम खोपड़ी से काम लेंगे, समझ में आ गया हमको, भूत क्रोधित हो रहा है। अच्छा। और उस आत्मा की शांति के लिए करना पड़ेगा एक गंभीर नृत्य। है? बता बता, डांस बता। अरे तेरे को कुछ का कुछ आता है क्या? चोरी किया हुआ डांसिंग कर रहा है कब से? हाँ, याद आ गया, याद आ गया मुझे वो भूत पकड़ू मंत्र। अभी मैं तेरे को हिर फुर भूत हो जाए फुर। जो भी भूत बैठा है अपनी अकड़ में, वो आ जाए मेरी दल की पकड़ में। पकड़ लिया मैंने इस मैं तो इधर ही हूँ। भूत पकड़ू मिशन मेरा कामयाब हो गया, मैंने दादी की आत्मा को बोतल में पकड़ लिया है। बासुन दिखा के आती हूँ, ये पागल है। क्या हुआ? डांस क्यों कर रहे हो? मैंने दादी की आत्मा को पकड़ लिया है, इसे बोतल के अंदर जकड़ लिया है। यो 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 यो,
वाह, वेरी नाइस। अब तक मेरा घर पागल खाना था और अब उससे तो शमशान भी बना रहे हैं आप लोग। कल को भूत मेरे सोफे पे बैठ के टीवी देखेंगे और चुड़ैले नाच गाना करेंगे। नहीं मैडम जी, शांत शांत हो जाइए। मैंने आपकी सास की आत्मा को इसमें पकड़ लिया है मैडम। Excuse me? तुमने मुझे भूत कहा? हाँ वही। माम को तो भूत भी भूत कहने से डरते हैं। लगता है बटलिया कहीं से फूट गई है का जो आत्मा बाहर निकल गई है। अरे नहीं नहीं, सासुमा के पीछे दादी सास का भूत खड़ा है। अगर ये बहुत हो चुका, ये तंत्र मंत्र से कुछ नहीं होने वाला, हमें मनोवैज्ञानिक को मतलब साइकेट्रिस्ट को बुलाना ही पड़ेगा। अरे वो रही दादी सास। ओ साइकेट्रिस्ट, वाह। बताओ मही, क्या दिखाई दे रहा है? रोशनी। वेरी गुड। कौन सी रोशनी? दिए की रोशनी, मोमबत्ती की रोशनी या सूरज की रोशनी? टॉर्च की रोशनी। वेरी बैड। मही बताओ, दादी सास की आत्मा तुम्हें कितने दिनों से दिखाई दे रही है? कल सुबह से। वेरी गुड। क्या सुबह का ही समय था? हाँ डॉक्टर, कल मॉर्निंग में जब हम दादी की मूर्त गांव से लेकर आए थे, तब से मही को कभी कभी ऐसा लग रहा है कि दादी सास की आत्मा उस मूर्ति से बाहर निकलकर घर में घूम रही है। वेरी बैड। मही, गेट अप, खड़े हो जाओ। गेट अप, गेट अप। ध्यान से देखो, यहाँ कहीं दादी सास की आत्मा दिखाई दे रही है? ध्यान से देखो। वेरी बैड। वाह वाह मही वाह, मैंने रुपया तो बहुत देखा है लेकिन तुम जैसा बेरुपया पहली बार देख रही हूँ। अरे तुम तो गिरगिट की तरह रंग बदलती हो। पहले तो 10-10 मिनट में कहती थी शाशुमा शाशुमा, वो देखिए शाशुमा, वो भाग रही है, वो दौड़ रही है, वो मुस्कुरा रही है, शाशुमा देखिए ना शाशुमा, वो यहाँ है, वो वहाँ है। सोफा वहां है, रिलैक्स हो जाइए, बैठ जाइए, वरना एक ही खर्चे में मुझे दो दो लोगों का इलाज करना पड़ेगा। वेरी गुड। वही ध्यान से देखो, ठीक से देखो, दादी सास की आत्मा यहां कहीं नजर आ रही है? नहीं नहीं नहीं। वेरी बैड। नजर नहीं आ रही, कंफर्म नहीं आ रही है, तो बुलाओ उन्हें। कॉल हर। क्या मतलब, यहां बुलाओ उन्हें। दादी सास, दादी सास, दादी सास, देखिए प्लीज प्लीज एक बार आ जाइए। देखिए दादी सास, कोई मेरी बात पर यकीन नहीं कर रहा है, प्लीज आ जाइए। दादी सास, दादी सास, वो आ रही है? नहीं। ट्राई ट्राई करो, एक बार और ट्राई करो। दादी सास, अरे कोई आत्मा वात्मा है ही नहीं तो कहां से आएंगी? कहो मही कब है, मगर ऐसे ही रहा ना तो आने वाले कुछ दिनों में हम घर में कम और डर में ज्यादा रहेंगे। सागर सागर प्लीज अपने बीवी को समझा देना, वरना मुझे अपनी भाषा में उसे समझाना पड़ेगा। सागर जी मैं कसम खा रही हूँ, मैंने सच में दादी सास को देखा था, अपनी आंखों से देखा है मैंने। मही, 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 देखो ये तुम्हारा वहम है, दादी सास की आत्मा तुम्हारे दिमाग की उपज है। इस बीमारी को हेलुसिनेशन कहते हैं। हाँ हो सकता है, हेलुसिनेशन हो सकता है। हेलो, सच में मुझे हलवासिनेशन हो गया? मही, नहीं नहीं दादी सास तो है ही नहीं, ये तो बस मेरा हलवासिनेशन है,
ए ना ना, मैं सही में हूँ बेबली। अच्छा तो मुझे एक बात बताइए, अगर आप सच में हैं, तो फिर मैंने डॉक्टर के सामने आपको बुलाया था, तब आप क्यों नहीं आई? अरे बाबा, मैं ऐसा नहीं चाहती थी कि सब लोग समझे कि तू पागल है। अगर मैं उस वक्त आती तो क्या होता तेरा? अरे भाई, तू मेरी बहू की बहू है, मतलब कि मेरी पोती बहू। और देख, भगवान का करामत देख, पूरे परिवार में से सिर्फ तू ही मुझे देख सुन सकती है। अरे हाँ, लेकिन सिर्फ मैं ही आपको क्यों देख सकती हूँ? मारी बेबली, इधर बैठ, मैं समझाती हूँ। बस मैं ही तुझे इसलिए दिख रही हूँ क्योंकि इस घर में सबसे अच्छी आत्मा तू ही है। पढ़ाई भले तूने कम की हो, लेकिन इंसानियत का पाठ तूने ज्यादा पढ़ा है। लोगों की खुशी में खुश होकर तू उनकी खुशी दुगनी कर देती है, और दुख में साथ खड़े होकर दुख को आधा कर देती है। गांव भले तेरा छोटा हो, लेकिन दिल बहुत बड़ा है। इसीलिए कचरे में से मेरी मूरत को उठाकर तू ही यहाँ ले आई कि नहीं? अब तूने मेरे लिए इतना सब कुछ किया है, तो अब तो तू मेरी दोस्त हुई कि नहीं? फ्रेंड एंड फ्रेंड। अच्छा, मेरी सासू माँ कह रही थी कि शादी के बाद जब वो पहले दिन ससुराल आई थी, तो आपने तो उनसे... अरे उसने तो तुझे और सागर को सिर्फ आधी बात बताई, पूरी बात मैं बताती हूँ। सासू माँ, सास और बहू का रिश्ता कद्दू और छुरी की तरह होता है ना? हाँ वो तो है, लेकिन मैं वादा करती हूँ, मैं कभी भी छुरी नहीं बनूंगी। लेकिन तू भी एक वादा करना कि कभी भी मुझे कद्दू बनाकर कुछ छुरी ना बन जाए, है ना? मुझे माँ समझ के हमेशा बेटी की तरह रहना, है ना? लेकिन सासू माँ, घर में दो बर्तन होंगे तो आवाज तो आएगी। हाँ, लेकिन मेरे पास एक तरीका है जिससे आवाज नहीं आएगी। कौन सा? अपनी जीभ से, अपने जुबान से नाक को छूने की कोशिश कर। जुबान से नाक को छूने की कोशिश कर, कर कर कर। हाँ, हो जाएगा, कोशिश करा कर, दिख रहा? हाँ, करा कर। फिर सासू माँ ना। हाँ, सच है कि मैंने अनुसुईया को नाक छूने को कहा था, लेकिन उसको परेशान करने के लिए नहीं, उसको प्यार से समझाने के लिए। कर कर, कोशिश कर। हाँ, हो जाएगा। अरे वाह, करा कर। हाँ, करा कर कोशिश। हाँ, नहीं हो रहा है ना अनुसुईया? इसी तरह जीवन में हर एक इच्छाओं को पूरा करना संभव नहीं है, इसीलिए जब हमारी इच्छा कोई पूरी ना हो तो मन को शांत रखना, वरना नुकसान हो जाएगा, है ने? मैं माँ बनकर हमेशा उसके साथ रही, लेकिन वो कभी बेटी बनकर मेरे साथ नहीं रही। दादी सास, सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। अरे बाबा, इसमें तेरी गलती नहीं है, तुझे तो जो समझाया गया वही समझी ना। दादी सास, मुझे एक बात समझ में नहीं आई, आप यहाँ आए क्यों हो? इसमें ऐसा हुआ, जब मैं मरकर यमलोक पहुंची ना और मेरे कर्मों का हिसाब हुआ, तो सब लोग मुझ पे हंसने लगे और कहने लगे, अरे तू कैसी सास है, अपनी बहू को सुधारे बिना तो स्वर्ग सिधार गई। नरक में से एक चुड़ैल सास आ गई और वो भी मुझे कहने लगी, मैं बिल्कुल दुखी नहीं हूँ कि मैं नरक में हूँ, मैं तो बहुत खुश हूँ कि मैंने अपनी बहू की जिंदगी को नरक बना दिया। सब लोग मुझे ताना मारने लगे कि तूने अपना सास धर्म तो निभाया ही नहीं है, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ।
अनुसुईया ने मेरे प्यार और मेरे भोलेपन का नाजायज फायदा उठाया है। अब मैं उसे बता दूंगी, पहले वो खाली बिगड़ेल बहू थी, अब वो बिगड़ेल सास बन गई है और उसे सुधारने आ गई है सास की ये सास। जब भी वो बेलगाम होगी उसकी लगाम मैं खींचूंगी। अच्छा तो ये बात है, इसीलिए आप यहाँ पर आई हो? हाँ। सागर जी, ये देखिए मैं कोई हवा बवा में बात नहीं कर रही हूँ, साक्षात दादी सास खड़ी है मेरे सामने। जो दिख रही है, है? तुम्हारी बेवकूफी। भाई क्या हो गया तुम्हें? साइकेट्रिस्ट के सामने दादी तुम्हें नहीं दिख रही थी और अब बोल। अरे वो तो इसलिए ताकि डॉक्टर साहब मुझे पागल ना समझे, तभी तो बिचारी दादी सास उनके सामने नहीं आई है ने? तो अब मही भाई बहुत हो गया यार, प्लीज तुम ये मान जाओ कि ये सब कुछ तुम्हारे वहम की वजह से हो रहा है, प्लीज। क्यों मानू? अरे यार तुम। हाँ बॉस। शांति शांति। ये क्या है? सचो सचो वजन नहीं, अब वेट। तो ये घड़ी वॉच, जस्ट वेट एंड वॉच। अच्छा मतलब इंतजार करो और देखो कि आगे आगे होता है क्या। हाँ अबे समझी। वाह भाई वाह। उमा मरी रे, गुल हो गया। वो उसमें मैं चैंपियन हूँ गुल करने में। वाह वाह दादी सर। मजे हो ही गई मैं। अच्छी। नहीं। ऐसी हवा में बातें तो अंग्रेजों के जमाने के पागल भी नहीं करते होंगे जैसे तुम कर रही हो। हाँ मेरी सासू से बात कर रही होगी ना? हंस तो। गुड, वेरी गुड। इसका मतलब पागलपन अपनी चरम सीमा पर है। वैसे क्या क्या बातें कर रही थी आप उनसे? सासू माँ, मैंने दादी सास से उनका यहाँ पर आने का कारण पूछा। ओ, कारण? तो क्या कारण बताया उन्होंने? दादी सास ने कहा कि वो अपना सास धर्म निभा नहीं पाए ना, इसलिए वो निभाने आई है। सास धर्म? सागर ये कुछ नया है मगर अच्छा है और मजा भी आया। मही जरा पूछना उन्हें कि पुरानी तिजोरी की चाबी किधर है, है? ये और कुछ नहीं तो इस घर में कुछ छुपाया हुआ गुप्त धन हो तो उसके बारे में तो हमें पता चले ना। ना ना सासु माँ, अबे ऐसी वाली बात नहीं है। अच्छा तो क्या बात है, आप ही बताइए ना। वो देखो वो का आलाप चपटा बंद करो और सीधा गाना बोल। जाने दीजिए सासू माँ, आपको बुरा लग जाएगा। नहीं नहीं मुझे क्यों बुरा लगेगा, अब तक मुझे कभी बुरा लगा है भला? बोलो बोलो। तो पछे। हाँ तो ठीक है, देखिए सासू माँ। हाँ? मैं साफ साफ बोल देती हूँ, मैं जो कुछ भी कह रही हूँ वो मैं नहीं कह रही हूँ। अरे बाबा बोली नाक ने बिंदास, बोल जो बोलना है, मैंने बोला ना वो बोल दे इसको। बोल दो। बोल दे। हाँ बताइए बताइए बताइए। दादी सास कह रही है कि वो आपको ठीक करने आई है। ठीक करने क्यों? क्या मैं रेलवे का बिगड़ा हुआ समय सारणी
टाइम टेबल हूँ। वैसे मेरी सासू माँ तुम्हारे अगल बगल कहीं है अभी? हाँ, हाँ, ये रही सास। इधर है सासू। सासू माँ, प्रणाम सासू माँ, कैसी हैं आप इतने सालों के बाद? ओहो, चलो कोई बात नहीं, मरने के बाद तो पैर छूने लगी, जीवती थी त्यार तो कभी नहीं छुआ था इसने। वही तुम्हें नहीं बताओ कि अब मैं अपना बहु धर्म निभाना चाहती हूँ, अब मैं इन्हें ठीक करना चाहती हूँ। अच्छा सागर, अपनी भाषा में पूछो अपनी बीवी से कि उसके दिमाग में एग्जैक्टली क्या चल रहा है। महीन, महीन, प्लीज यार, प्लीज ये मजाक बंद कर दो मेरे लिए। अरे दादी सास, आलोक को तो समझते नहीं। देखिए सागर जी, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। एक तरफ माँ, एक तरफ पत्नी और बीच में बेटी की चटनी। ले बेल वागी, सच बोल रहे तू? हेलो, हाँ जी सर, नमस्ते। तो लगता है कि उसकी वाट लगने वाली है। सर लेकिन मही से क्यों? जरूर जरूर, शुक्रिया। मॉम, क्या हुआ? वो मेरे पार्टी के सीनियर्स कल हमारे घर आ रहे हैं मुझसे और महीश से मिलने। महीश से क्यों? सागर, अगर मुझे पता होता तो क्या मैं इतनी चिंतित होती? महीश, हाँ? कह दो अपने दादी सासू से कि एक दिन वो शमशान में अपनी पिकनिक मनाए। और तुम भी, तुम्हारे अंदर जो पागलपन है ना, उसे अपने अंदर ही रखना या छुट्टी पर कहीं पे भेज देना, या फिर समझदारी का ताला मारकर अंदर ही रखना, वो बाहर नहीं आना चाहिए, कह देती हूँ। सागर। हाँ? दादी सास, कल बड़े बड़े लोग आने वाले हैं, तो तब गड़बड़ होनी चाहिए। ए, ना ना, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। आपने सुना ना सासू माँ ने क्या कहा? तो उसका कौन सुनता है? Thank you.